दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई एक बहुत ही लाजवाब विटामिन है। इसके बहुत सारे आई वुड से मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स में, फंक्शंस में, उनको ठीक से और सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज इस वीडियो में विटामिन ई के हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि विटामिन ई का नेचुरल सोर्स क्या होता है, आपको कहाँ से विटामिन ई मिल सकता है, दूसरा विटामिन ई किन लोगों को लेना चाहिए और विटामिन ई किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्या विटामिन ई को बहुत लंबे समय तक लगातार लिया जा सकता है और क्या विटामिन ई के लगातार लेने से या इसकी ज़्यादा मात्रा होने से उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। विटामिन ई एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है और ये बाकी विटामिन से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। विटामिन ई करीब 7 कंपोनेंट से मिलकर बनता है जिनको अल्फा टोको फेरोल के नाम से जाना जाता है और इसीलिए इसका इन्वॉल्वमेंट बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में या सिस्टम्स में होता है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन ई के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। विटामिन ई हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और उनको रिपेयर करता है। दरअसल जब ऑक्सीजन हमारी सेल्स के अंदर जाता है तो वहाँ पे कुछ फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इनको हम ऑक्सीडेंट्स के नाम से भी जानते हैं। और जब ये फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको ऑक्सीडेटिव डैमेज कहते हैं और या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से भी इस प्रोसेस को जानते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है वो बढ़ते चला जाता है और आपने देखा होगा कि बढ़ती उम्र के साथ इसीलिए बहुत सारी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन विटामिन ई इस ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है, वहां पे जो ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ऑक्सीडेंट्स बन जाते हैं, उनको सेल से बाहर निकालने में मदद करता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है। साथ ही साथ ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जिसको LDL और VLDL कहते हैं उनके लेवल को कम करता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको HDL कहा जाता है उसके लेवल को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनके लेवल को भी कम करता है, जिसकी वजह से मरीज को या आपको हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसलिए आप विटामिन ई की पूरी मात्रा अपने शरीर में रखें, उसकी कमी ना होने दें। विटामिन ई का दूसरा बड़ा फंक्शन होता है बूस्टिंग इम्यूनिटी। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है, ख़ासतौर से जो लंग्स की इम्यूनिटी है वहाँ पे जो पॉल्यूशन के इफेक्ट्स होते हैं उनको बहुत हद तक कम कर देता है। वाइट सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और वाइट सेल्स को अगर स्ट्रॉन्ग करता है तो वाइट सेल्स के अंदर किसी भी इन्फेक्टिव डिजीज से लड़ने के लिए ज़्यादा पावर हो जाती है और इस तरीके से आपकी ये बहुत सारी एक्यूट इन्फेक्शन, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टेरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, इम्यूनिटी को बढ़ा के विटामिन ई आपकी रक्षा करता है। विटामिन ई आपके विजन को या आंखों की रोशनी को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो आपका कॉग्निटिव फंक्शन होता है यानी कि जो ब्रेन को चीज़ों को याद रखने की ताकत होती है उसको मजबूती देता है। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअल में कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसको बनाने के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी होता है और जो कोलेजन प्रोटीन है ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, उसकी टोन और टेक्स्चर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए विटामिन ई आपने देखा होगा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई का जो नेक्स्ट सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है कि ये मेल और फीमेल फर्टिलिटी के रिस्क को कम करता है, स्पर्म की हेल्थ के लिए, हेल्दी स्पर्म्स के लिए, उनकी मोर्टिलिटी और उनकी वाइटिलिटी के लिए विटामिन ई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और साथ ही साथ ये ओवम की हेल्थ के लिए, फीमेल में ओवम की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो नेक्स्ट बहुत ही लाजवाब इसका एक बेनिफिट होता है ख़ासतौर से यंग गर्ल्स के लिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ एक तो मेंसेस के दौरान जब दर्द होता है जिसको डिसमेनोरिया कहता है, स्टडीज़ ये कहती है कि डिसमेनोरिया में भी विटामिन ई का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, उसका काफ़ी रोल है और ये डिसमेनोरिया के जो पेनफुल सिम्टम्स होते हैं उनको कम करता है। दूसरा इसी एज की गर्ल्स में ब्रेस्ट के अंदर छोटी छोटी गांठें बनना शुरू हो जाती हैं जिसको फाइब्रोएडिनोमास कहते हैं। तो अगर विटामिन डी लगातार कुछ दिन तक दिया जाता है तो एक तो फाइब्रोएडिनोमास जो है वो कम हो जाते हैं साइज में और जो पेन होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। साथ ही साथ
यंग बॉयज जब वो 12-13-14 साल की एज में होता है, उनको गायनोकोमास्टर डेवलप हो जाता है, उस कंडीशन में भी ये विटामिन विटामिन ई काफी हद तक कारगर होता है गायनोकोमास्टिया के सिम्टम्स को कम करने के लिए या गायनोकोमास्टिया को बढ़ने से रोकने के लिए। उसके अलावा ऐसे मरीज जिनको नाइट क्रैम्प्स आते हैं, काफ में जकड़न में अकड़ाव आ जाता है, उसमें भी विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। अगर मरीज 8-10 दिन एक विटामिन ई का कैप्सूल खा लेता है तो उसको काफ पेन या काफ के जो क्रैम्प्स हैं वो रुक जाते हैं। यहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा फायदा होता है विटामिन ई का, वो होता है नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज के मरीजों के लिए। एक्चुअल में पहले ये माना जाता था कि जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उन्हीं का लीवर खराब होता है, उनको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो जाती है, उनको सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज भी देखने को मिल रही है। विटामिन ई का क्या रोल है? विटामिन ई फैट सोल्यूबल विटामिन है और ये लीवर के अंदर फैट के डिपॉजिट को कम करता है, उसको वहाँ पे जमने से रोकता है, और इस तरीके से नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज में भी विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल देखा गया है। तो ये तो हमने बात कर ली विटामिन ई के कुछ खास बेनिफिट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि विटामिन ई का सोर्स क्या होता है, आपको विटामिन ई कहाँ से मिल सकता है, क्या आप सिर्फ डाइट से विटामिन ई की कमी पूरी कर सकते हैं या आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने की भी जरूरत पड़ेगी। विटामिन ई का जो एक नेचुरल सोर्स है वो होता है फीड जर्म ऑयल, फिश लीवर ऑयल, इवन जो सूरजमुखी के बीज है उसके अंदर से, नट्स में जैसे बादाम है, मूंगफली है, इनके अंदर विटामिन ई की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। इनको आप लगातार इस्तेमाल करें तो आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर हम सब्जियों की बात करें तो विटामिन ई पालक, टमाटर, ब्रोकली और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है, आप इनका सेवन भी बढ़ा सकते हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी को रोकने के लिए। और अगर फलों की बात की जाए तो मैंगो, एवोकाडो और कीवी में विटामिन ई की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा विटामिन ई के कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो डॉक्टर्स जनरली आपको एडवाइस करते हैं, जैसे पॉड लीवर ऑयल कैप्सूल्स आते हैं और विटामिन ई के खुद कैप्सूल्स आते हैं 200, 400, 800 मिलीग्राम की पावर में। लेकिन आपको सप्लीमेंट्स अपनी मर्जी से कभी नहीं लेना है, यहाँ पे आपको आपके डॉक्टर की सलाह मशवरा बहुत ज़रूरी है। जनरली डॉक्टर्स 200 से 400 मिलीग्राम के कैप्सूल्स एडवाइस करते हैं एडल्ट्स में, और इसकी जो डोज है वो होती है एक कैप्सूल पर डे, और इसको खाना चाहिए आपको रात को खाने के बाद। अब बात करते हैं कि क्या विटामिन ई को हम बहुत लंबे समय तक लगातार ले सकते हैं या कितने समय तक हमें विटामिन ई लेना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कोई भी बीमारी है जिससे आपको विटामिन ई की ज़रूरत है तो उसमें आप देखिए लगातार बहुत दिनों तक विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और अगर आप बहुत दिनों तक लंबे समय तक विटामिन ई लेते हैं तो आपके शरीर में जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपको दूसरी बीमारियां या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। ये माना जाता है कि विटामिन ई आप 30 दिन तक लगातार ले सकते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं है। हालांकि रिकमेंडेड डेज जो है वो 90 डेज तक भी है, लेकिन अगर आप 30 दिन से ज़्यादा विटामिन ई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय तक विटामिन ई लेंगे तो इसके जो नुकसान होते हैं, एक तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो उससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक के ये भी खतरे बढ़ जाते हैं। दूसरे कुछ दवाइयों के साथ विटामिन ई नहीं लेना चाहिए, जैसे अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयों ब्लड थिनर्स पे हैं, एंटीकोगुलेंट्स पे हैं, तो इसके साथ आपको कभी भी विटामिन ई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो हमने ऊपर बात की उसी तरीके के रिस्क हो जाएंगे। दूसरे, अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तब भी आपको विटामिन ई लेने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को विटामिन ई लेने से परहेज करना चाहिए, प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ना लें। मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी भरा लगा होगा और आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर वाकई आपको वीडियो अच्छा लगा है या आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा या अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। अगर इसको आप बाकी अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, तो वीडियो को वाइडली शेयर कर लें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।